So guys, this is going to be a new hair year 2024 variant, and as you can see front look totally changed क्योंकि ये है face lifted variant, अभी नई face lift हुई है. And as you can see front से आप लोगों को ये connecting DRL दिखने को मिलेगी. And interior की बात करें हम लोग तो हम लोगों को इसके अंदर ambient light दिखने को मिलेगी जो कि इसके अंदर ढेर सारे आप लोग फीचर्स है. एंड इसकी बात करें हम लोग तो illuminate डिस्प्ले देखने को मिलेगी अपने को स्टेयरिंग व्हील पे, वो जो कि ब्लिंक करेगा एंड डेफिनेटली डिस्प्ले वाली वाइब देगा बट काफ़ी क्रेजी लगेगा. एंड इसका स्पीडोमीटर आप लोग देख ही सकते हो टोटली डिजिटल कर दिया गया है. एंड इसके अंदर आप लोगों को हर एक टाइप की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है. आप लोगों को फ्रंट कैबिन ऐसा कुछ लुक देखने को मिलेगा एंड एम्बियन लाइट के साथ एक काफ़ी क्रेजी लुक इसका रहने वाला है एंड काफ़ी तहलका मचाने वाली है नई हैरियर. एज यू कैन सी इसके रिम्स अपने को एलो व्हील्स लाइक 17 या 18 इंच का देखने को मिलेगा. ऐसे कुछ एलो व्हील्स है ब्लैक कलर में, नया कलर का ट्रिम आया है तो ये 18 इंच के एलोई के साथ अपने को देखने वाले मिलने वाली है. ये है ड्यूल टोन वेरिएंट के साथ जो कि आप लोग देख ही सकते हैं इसका नया कलर काफ़ी क्रेजी लगने वाला है. एंड ये शायद से डार्क एडिशन जितना ही बिकने वाला है क्योंकि काफ़ी अजीब एंड अलग सा ही स्टैंड आउट करता है. एंड एज यू कैन सी पीछे भी हम लोगों को कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिलेगी और इसके अंदर ढेर सारे फीचर्स लाइक जेड टाइप की कुछ अलग सी ही टेल लाइट देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी मस्त लगती है. एंड फ्रंट लुक से हम लोगों को ऐसी कुछ देखने को मिलेगी, थोड़ी सी बल्की लग रही है बिकॉज फ्रंट लुक काफ़ी चेंज है. हरियर के बेजिंग पीछे हम लोगों के नॉर्मल से ही देखने को मिलेगी, साइड मिरर में अपने को लाइट और ये सब कुछ देखने को मिलेगा. एंड एज यू कैन सी ये कुछ ऐसा लुक है जो नया कलर है इसके, काफ़ी एग्रेसिव लुक बनाया है आगे से टाटा वालों ने एंड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी SUV मानी जाएगी एंड सभी SUVs को अभी बीट करने वाली है. SUV वैसे भी करती आ रही है. जो ये 18 इंच के एलो व्हील्स है जो काफ़ी क्रेजी लगने वाले, अभी डायमंड कट्स को तो साइड पर रख दिए है इसने क्योंकि काफ़ी क्रेजी लुक बना दिया इसके एलो व्हील्स के. पीछे कनेक्टिंग टेल लाइट ऐसे कुछ अपने को पीछे वाला ग्लास देखने को मिलता है. वाइपर नॉर्मल से ऊपर से फ्लिट नहीं है, नॉर्मल से ही वाइपर भी दिया गया है पीछे, बट पीछे का लुक भी काफ़ी बल्कि है. फोन से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, कार को ऑपरेट कर सकते हो. एंड ये अपने को सेंसर वाला बूट पर स्पेस मिल गया जो कि काफ़ी मस्त है. बूट्स आप लोग ईजिली ओपन कर सकते हैं क्योंकि पिछले वाले वेरियंट में अपने को नहीं तो इलेक्ट्रिक मिलता था नॉर्मली, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक विथ सेंसर मिलेगा जो काफ़ी मस्त है. एंड बूट स्पेस अपने को एज इट इज सेम ही रहने वाली है. एंड ये काफी अच्छा फीचर लगा मेरे को क्योंकि अगले वाले वेरिएंट में ये फीचर्स मिसिंग था. और इसके बात करें साइड प्रोफाइल तो काफी क्रेजी लगने वाले, साइड प्रोफाइल से हम लोग ऐसा कुछ लुक देखने को मिल रहा है. अंदर अपने को कुछ इलेक्ट्रिक सभी सीट्स देखने को मिलती है वेंटिलेटेड विथ, रियर में भी अपने को वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलेगी, रियर में अपने को ऐसा कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. और आप लोग देख सकते हैं टोटली अपने को जो भी कलर की कार के टोन है इसके टाइप के अपने को इंटीरियर देखने को मिल जाएगा. वेंटिलेटेड सीट विथ अपने को पीछे वाले भी वेंटिलेटर सीट देखने को मिलेगी. इसके अंदर अपने को बूट स्टार्ट और ये सब कुछ तो नॉर्मल फीचर्स मिलेंगे, बट आप लोग देख ही सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील्स जो कि काफ़ी क्रेजी है. एंड इसके अंदर हम लोगों को अभी स्पीडोमीटर में सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी. एंड ये अपने येलोइश टाइप की है तो इसके अंदर अपने को येलो स्टिचिंग लेदराइट के ऊपर मिलेगी जो कि काफ़ी क्रेजी लगेगी. कार के पूरे कलर के साथ थीम के साथ एक्चुअली मैच करेगी. एंड इसके अंदर अपने को जैसे ही एज इट इज़ JBL के 10 स्पीकर देखने को मिल जाता है, 1 सब वूफर मिलेगा, 1 गियर नॉब और ये सब कुछ ही चेंज किया गया है. ड्राइविंग मोड्स भी इसके अंदर चेंज किए गए हैं, लाइक इसके ऊपर भी कंट्रोल्स के ऊपर डिस्प्ले और ये सब कुछ दिया गया है गाइस, आप लोग देख ही सके जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और कोई भी SUV में आप लोगों को देखने को इजीली नहीं मिलता है, स्पेशली बात करें अंडर 30 लाख्स में. और आप लोगों को इतनी क्रेजी कार देखने को मिलेगी टाटा हैरियर. और अभी लॉन्च होने वाली है कुछ ही दिनों, बुकिंग्स तो ओपन हो चुकी है, बट आप लोग देख सकते हैं इसका रियर लुक की बात करें हम लोग तो रियर लुक चलते हुए ऐसी कुछ काफ़ी बल्कि डिस्कवरी वाली फील डेफिनेटली देगी, वैसे भी देती आ रही है. एंड आप लोग देख सकते हैं चलते हुए काफ़ी क्रेजी एंड रोड प्रेजेंस तो इसकी एकदम है, नंबर है ही वैसे भी, और काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाने वाली है. अभी सभी इस सेगमेंट के SUVs वाले काफ़ी पीछे छूटने वाले हैं डेफिनेटली. और इसके अंदर डिस्प्ले में बात करें हम लोग ADAS और सभी फीचर्स अपने को देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली, जो कि पहले अपने अगले वाले वेरिएंट में भी देखने को मिल जाते थे. और गाइस इसके अंदर अपने को काफ़ी क्रेजी एंड मस्त सी प्रीमियम सी फीलिंग आएगी. पीछे बैठ के भी आप लोग देख सकते हैं सब कुछ ही चेंज है. इसके अंदर अपने को ADAS और सभी फीचर्स दिए गए हैं जो कि सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा नेक्स्ट लेवल है ही, आप लोगों को मालूम ही है. और इसके अंदर अपने को काफ़ी मस्त क्रेजी डार्क एडिशन भी देखने को मिलने वाला है जो कि डार्क एडिशन तो डेफिनेटली आने ही वाला है, टाटा इसी वजह से चलती है आप लोग देख ही सकते हैं. बट ये है अपना सेकंड टॉप वेरियंट, आप लोग देख सकते हैं सेकंड टॉप वेरियंट में भी आप लोगों को फीचर्स बताऊँ तो सभी फीचर्स आप लोगों को इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और सब कुछ ही मिल जाएगा, ड्राइविंग मोड और ये सब कुछ मिल जाएगा. और आप लोग देख ही सकते हैं ये डार्क एडिशन है, बट डार्क एडिशन में भी काफ़ी क्रेजी लाइक सब कुछ ही डार्क देखने को मिलेगा अपने को.
डार्क एडिशन में जो आप लोगों को नॉर्मली मिलता है पैनारोमिक सनरूफ के साथ आने वाली है। डेफिनेटली पैनारोमिक सनरूफ तो देखने को मिलेगा ही, बट सेकंड टॉप वेरियंट आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ अपने को सेकंड टॉप वेरियंट देखने को मिलेगा। कनेक्टिंग लाइट और ये सब कुछ देखने सेम ही मिलेगा देखने को, बट इसके अंदर अपने को प्रोजेक्टर या फिर नॉर्मली LED लाइट देखने को मिलेगी। पीछे से बात करें हम लोग तो एलॉय व्हील्स अपने को चेंज नहीं मिलेगी। इसके अंदर 17 इंच के जो नॉर्मली पहले सेकंड टॉप वेरियंट में आते थे वही देखने को मिलेंगे, और गियर नॉब अपने को सिंपल वाला मिलेगा जो कि सेकंड टॉप वेरियंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि सेकंड टॉप वेरियंट आप लोगों को मालूम ही है कि काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसेस में अपने को देखने को मिलने वाला है टॉप एंड वेरियंट से। बट हाँ, सेकंड टॉप वेरियंट भी इसका वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। और गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, सेकंड टॉप वेरियंट हो या कोई भी वेरियंट हो टाटा हैरियर का, अपने को काफ़ी ज़्यादा क्रेजी देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी ह्यूज सी SUV और 30 लाख के अंदर अपने को ऐसी SUV मिलना इंडियन मार्केट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गाइस आप लोग देख सकते हैं, इसकी रियर सीट भी हम लोग फोल्ड कर सकते हैं तो इजीली अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिल जाती है। और डार्क एडिशन की बात करें गाइस, तो डार्क एडिशन में अपने को कुछ अलग से ही एलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेगा, LED हेडलाइट ऑप्शन, एलॉय व्हील्स भी थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलेंगे। और डार्क एडिशन अपने को कुछ ऐसा रहने वाला है जो कि काफ़ी माफिया लुक देगा गाइस, क्योंकि सिम्बॉल और सब कुछ ही ब्लैक्ड आउट देखने को मिलेगा। लाइक इंटीरियर ले लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ ही ब्लैक, जो कि अपना प्रीवियस वेरियंट है सब कुछ सेम ही मिलने वाला है इंटीरियर में लाइक, बट सब कुछ चेंज देखने को मिलेगा। ब्लैक एडिशन जो लाइक हम लोग डार्क एडिशन बोल रहे हैं, वो रेड डार्क एडिशन शायद से अपने को अभी नहीं देखने भी मिलने वाला है जो कि प्रीवियस वेरिएंट में अपने को देखने को मिलता था। बट अभी हाँ, इसके अंदर आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने को और भी मिलेगा, और इसके अंदर अपने को फिर भी JBL के स्पीकर और ये सब कुछ ही मिलने वाला है देखने को, और काफ़ी क्रेजी इंटीरियर देखने को मिलने वाला है डार्क एडिशन में। और गाइस हाँ, रेड डार्क एडिशन अपने को थोड़ा सा मिसिंग लगेगा, बट रेड डार्क एडिशन ऐसे जितना वो नहीं है, बट इसके अंदर अपने को रियर में भी वेंटिलेटर सीट देखने को मिलेगी जो काफ़ी क्रेजी। आप लोगों को कैसी लगी वो टाटा हैरियर नई वाली मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इसका ड्राइविंग प्रेजेंस एंड अभी हम लोग चेक करेंगे डेफिनेटली जब भी मार्केट में आ जाएगी। बट इसके रोड प्रेजेंस देखिए गाइस, कुछ लैंड रोवर से भी कम नहीं लगती है।